هذه من أحد صور التسول لمقيم من جنسية عربية مخالف لنظام الإقامة، يحمل تقرير طبي غير صحيح، يقوم من خلاله باستعطاف الناس للحصول على مبالغ مالية. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अलग अलग शहरों से बहुत सारे भीख मांगने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं और औरतें हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। जो कि कुछ लोग उमरा वीज़ा पर यहाँ पर आए थे, बहुत लोग बॉर्डर पार करके यहाँ पर आए थे या किसी और तरीके से इलीगल सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और वो जो है भीख मांगने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग दुकानों के बाहर बैठ जाते हैं भीख मांगने के लिए, या सड़कों पर चौराहों पर जो है गाड़ियाँ रुकती हैं, रेड लाइट पर जो है भीख मांगते हैं। और इसके अलावा ये जो है मस्जिद के बाहर जो है बैठ जाते हैं या मस्जिद के अंदर बैठ जाते हैं, जब नमाज़ ख़त्म होती है उसके बाद जो है भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है गिरफ़्तार किया है। और यहाँ पर जो है सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने सभी लोगों से अपील की है कि आप जो है किसी भी ऐसे लोगों को जो है पैसा ना दें, भीख ना दें, जो कि इस तरह से जो है मांग रहे हैं। और सऊदी अरब के नए कानून के हिसाब से भीख मांगना सऊदी अरब के अंदर इलीगल है, चाहे किसी भी तरीके से भीख मांगी जा रही है। तो यहाँ पर जो है सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने सभी लोगों से मना किया है कि आपको जो है अब भीख नहीं देनी है, क्योंकि ये लोग जो है इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।